वेलकम टू नेक्स्ट पेपर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस लाइव सेशन में हम लोग अप्रैल के थर्ड वीक का करंट अफेयर करेंगे। ओके, इसमें 50 प्लस क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के अप्रैल थर्ड वीक के। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है किस दिन को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर एज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 23 अप्रैल। ओके, 23 अप्रैल ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अवार्डेड एज ऑनररी फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी। किसको रॉयल सोसाइटी की मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, ऑल ऑफ द एवव। ओके, ऑल ऑफ द एवव राइट आंसर, ऑल ऑफ द एवव। यूसुफ हामिद, गुरुदयाल बेशरा, अनंत पारेख और अक्षय वेंकटेश, ये सभी रॉयल सोसाइटी की मानद फेलोशिप से सम्मानित किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019। इंडिया की रैंक क्या है ये आपको बताना है। तो इंडिया की रैंक इस बार है 140। ओके, 140 टॉप किसने किया है इसमें, नॉर्वे ने टॉप किया है। ओके, अगला क्वेश्चन 140 यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस शहर में जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में 100 साल पुरानी क्लासिक पंजाबी कविता खूनी बैसाखी के अंग्रेजी अनुवाद वाली कविता जारी की गई है, किताब जारी की गई है। खूनी बैसाखी के अंग्रेजी अनुवाद वाली एक किताब जारी करी गई है, वे कहाँ पर करी गई है और किसने करी है ये भी आपको बताना है। तो ये करी गई है अबू धाबी में। ओके, और जो अबू धाबी में हमारे यहाँ के विपिन कुमार, अबू धाबी में जो हमारे यहाँ के कमिश्नर हैं, हाई कमिश्नर, वो हैं नवदीप सूरी ने खूनी बैसाखी नाम की जो किताब है इसको जारी किया है अबू धाबी में। ठीक है, और लिखी किसने थी ये खूनी बैसाखी, तो इनके दादाजी थे नानक देव ने। ओके, अगला क्वेश्चन, जेरी काव का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार थी। जेरी काव हैज पास्ड अवे रिसेंटली, सी वाज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ऑफ विंच कंट्री। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में 7वां चीन अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मेला आयोजित हुआ है। किस शहर में 7वां चीन अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मेला शुरू हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, संघाई में। ठीक है, संघाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करा लेते हैं हम, 50 प्लस क्वेश्चन है इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो हाउ मैनी कंट्रीज आर इन द ब्लैक लिस्ट प्रिपेयर्ड बाई द US गवर्नमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट एंड पेटेंट वायोलेशन वर्ल्ड वाइड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 11 कंट्रीज हैं इस लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, और टॉप किया है इसको चाइना इसमें नंबर 1 पर है ब्लैक लिस्ट में, और अपना इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया 2nd नंबर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नए नोट 20 रुपये का डायमेंशन क्या है। अभी 20 रुपये का जो नया नोट आया है रिसेंटली उसका डायमेंशन क्या है, जल्दी से बताइए। 20 रुपये के नए नोट का डायमेंशन है 63x129 mm, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर होगा। कलर क्या है इसका, इसका कलर है ग्रीनिश येलो। ठीक है, ग्रीनिश येलो इसका कलर है, और इसका मोटिफ क्या है, मोटिफ है इसका एलोरा केव्स। ठीक है, एलोरा की गुफाएं इसका मोटिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और कौन सा देश गोवा तट पर अब तक के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास वरुणा का आयोजन करेगा। तो आप सबको पता ही होगा कि
भारत और फ्रांस के बीच होती है वरुणा एक्सरसाइज, ठीक है? ऑप्शन वन यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रांस। ये वरुणा जो एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच होती है, इसके अलावा गरुड़ और साथ ही शक्ति, गरुड़, वरुण और शक्ति, ये तीनों एक्सरसाइजेज भारत और फ्रांस के बीच होती हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत ने 4500 करोड़ रुपए के मंगदेछू हाइड्रो प्रोजेक्ट के पावर टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ भारत ने 4500 करोड़ रुपए के मंगदेछू हाइड्रो प्रोजेक्ट के पावर टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन भूटान, ऑप्शन नंबर वन भूटान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच नॉवल राणा दास गुप्ता हैज वॉन द 2019 टैगोर लिटरेरी प्राइज? ऑप्शन है आपके लिए सोलो, वखार, पक्का की ओटी गिलेटे या फिर हॉथन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर है इसका सोलो। सोलो के लिए राणा दास गुप्ता को 2019 का टैगोर लिटरेरी अवार्ड मिला है। और जो इसमें ऑप्शन नंबर थ्री है पक्का की ओटी गिलेटे, ये इसको सरस्वती सम्मान मिला है इस साल का। और ये इसके राइटर कौन है? के शिवा रेड्डी, के शिवा रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ ने किसके साथ बाल सशक्तिकरण के लिए समझौता किया है? यूनिसेफ ने किसके साथ, यूनिसेफ ने किसके साथ बाल सशक्तिकरण के लिए समझौता किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच अफ्रीकन कंट्री वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन वाज लॉन्च? किस देश में विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की गई है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मलावी, मलावी की कैपिटल क्या है? लिलोंगवे, ओके, ऑप्शन वन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शूटर अंजुम मौदगिल किस राज्य से हैं? ये शूटर हैं अंजुम मौदगिल, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थ्री पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में पंकज अडवाणी ने अपना पहला एशियाई स्नूकर टूर खिताब जीता है? पंकज अडवाणी ने अपना पहला एशियाई स्नूकर टूर खिताब जीता है बेंगलुरु में, ये कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था, ऑप्शन नंबर फाइव इसका राइट आंसर होगा। किस दिन को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड मलेरिया डे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन 25 अप्रैल, ओके। इस बार की थीम क्या थी? इस बार मलेरिया दिवस की थीम थी एंड मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ओके, एंड मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने गोलन हाइट्स का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का फैसला किया है? किस देश ने किया है गोलन हाइट्स का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का फैसला? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन इजराइल, इजराइल के एट प्रेजेंट पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू। और इसकी कैपिटल क्या है? यरूशलम, ओके, राइट आंसर ऑप्शन वन होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, किसको टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शुमार किया गया है? किसको टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शुमार किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी इसका राइट आंसर होगा। किस दिन को हर साल अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से आंसर बताइए इसका, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वन 26 अप्रैल, वीरेश शर्मा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 अप्रैल, ओके। अगला क्वेश्चन है, अमित पंघाल ने बैंकॉक में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? मुकेश अंबानी, यस राइट आंसर है आपका। तो वो किस राज्य से हैं अमित पंघाल, किस राज्य से हैं यहाँ पे पूछा है? अमित पंघाल जो हैं ये एक बॉक्सर हैं और ये हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ से? हरियाणा स्टेट से। अगला क्वेश्चन,
किसने चंडीगढ़ में दूसरा मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता है? चंडीगढ़ में हुआ है सेकंड मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट, तो किसने जीता है ये? ये जीता है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, और ये इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहाँ की है? चेन्नई वाली है ये, ठीक है, इसने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को 2019 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? किसको किया गया है विश्व पुस्तक राजधानी 2019 के लिए नामित? यूनेस्को ने किया है, किसको किया है? शारजाह को, ठीक है, यूएई का शहर है शारजाह। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, IPPV, ESAF, ICICI बैंक या फिर HDFC? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारतीय खाद्य और फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? इन विच सिटी इंडियन फूड एंड फिल्म फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, जल्दी से बताइए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जेद्दा सऊदी अरब में भारतीय खाद्य और फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था अभी रिसेंटली। ओके, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने NHB श्रीकांत देशमुख, हेलो लेट हो गए आज आप, इसका राइट आंसर बताइए। RBI ने NHB और नाबार्ड में अपनी पूरी हिस्सेदारी कितने रुपए में सरकार को बेच दी है? इसका राइट आंसर होगा 1470 करोड़ रुपए, जिसमें से स्लो कराऊं। ओके, RBI ने NHB और नाबार्ड में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है, कितने रुपए में बेची है? 1470 करोड़ में, जिसमें से नाबार्ड का आपको अलग बताना है और NHB का आपको अलग बताना है, कितना कितना है? तो नाबार्ड का तो है 20 करोड़ और NHB का है 1450 करोड़, ठीक है। अब आप बोलोगे कि नाबार्ड का सिर्फ 20 करोड़ क्यों है, क्योंकि नाबार्ड को पहले ही बेच दिया था, इसका सिर्फ 1% हिस्सा बचा हुआ था। ओके, तो अब इसको भी सेल कर दिया है, टोटल 1470 करोड़ रुपये में सेल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में, बफरिंग हो रही है, नेटवर्क इश्यू है आज इसलिए, विच कंट्री हैज लॉन्च मेडिकल ड्रोन सर्विस रिसेंटली? किस देश ने हाल ही में मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू की है? ये करी है घाना ने, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा घाना। क्या है इसकी कैपिटल एंड करेंसी? कैपिटल है अकरा और करेंसी है सैडी, ठीक है, अकरा और सैडी। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के नाना कुफो एडो, महिपाल मेल। राइट आंसर आपका, इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं घाना के वो हैं नाना कुफो एडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को? प्रकाश यादव, हेलो, थैंक यू, क्वेश्चन के बीच में ही मैंने पढ़ दिया, अभी मैं न्यू हूँ ना इस प्लेटफॉर्म पर, तो इसलिए पता नहीं चलता क्या मैं बोल रही हूँ क्या कर रही हूँ, पता नहीं। किस देश ने भारत के साथ अपने राजनैतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए रामायण के विषय पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, इंडोनेशिया। ओके, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया है, रशिया नहीं, इंडोनेशिया है इसका आंसर। रामायण पर एक जो विशेष डाक टिकट जारी किया है वो इंडोनेशिया ने किया है, रशिया ने नहीं। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने टिकटॉक पर प्रतिबंध हटा दिया है? किस उच्च न्यायालय ने टिकटॉक पर प्रतिबंध हटा दिया है? इसका जो राइट आंसर है वो है मद्रास। मद्रास ने ही लगाया था सबसे पहले, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दिया था पूरे देश में, लेकिन अब मद्रास ने टिकटॉक पर से बैन हटा दिया है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज विझिन जाम बंदरगाह पर जलावतरित किया गया है? ओके, आंसर बताइए जल्दी से।
क्या मैंने पढ़ाने क्या बोला आपने, तो जल्दी से बताइए कि कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज बेझिन जाम बंदरगाह पर जलावतरित किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 C441 C441। ओके महिपाल मिल, आपका राइट आंसर है वीरेश शर्मा, 2 2 नहीं 1 है इसका, C441 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2019 में खसरे के 695 मामले दर्ज किए हैं, जो वर्ष 2000 में खसरे के उन्मूलन की घोषणा के बाद किसी एक साल में खसरे के मामलों की सबसे ज़्यादा संख्या है। ठीक है, खसरा वहाँ से इलिमिनेट हो चुका था पहले सन 2000 में ही, लेकिन अभी भी 2019 में वहाँ पे 695 मामले दर्ज किए गए हैं खसरे के। खसरे को इंग्लिश में बोलते हैं मीजल्स। ओके, तो कहाँ पे किए गए हैं ये, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका में। ओके अमेरिका। अगला क्वेश्चन, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 लाख करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले मुद्रा लोन 31 मार्च 2019 तक कितना वितरित किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा लोन वितरित करना था, लेकिन 2019 तक कितना किया गया है अभी तक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2,73,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर 3 2,73,000। अगला क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल पंचायत राज डे एवरी ईयर इन इंडिया। इस बार क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इस बार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी श्रीकांत देशमुख। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, दिख नहीं रहा है यहाँ से, तो क्लियर है सब कुछ। हर साल पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 24 अप्रैल। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके साथ आयुष मंत्रालय ने चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है नीति आयोग, CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या फिर एम्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 CSIR। ओके, ऑप्शन नंबर 2 CSIR यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस शहर में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2019 का पहला संस्करण आयोजित हुआ है। इन विच सिटी फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 2019 वॉज हेल्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, ब्लर दिख रहा है, रिजोल्यूशन बढ़ा लो, ब्लर दिख रहा है तो किस 360 पे चला लो या फिर 400 उससे भी ऊपर चलाओ, 420 पे तो आपको क्लियर दिखेगा। ओके, तो नौसेना कमांडरों का जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप वॉज हेल्ड। चैंपियनशिप जो थी एथलेटिक्स की कहाँ पे हुई है वो, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दोहा। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत को मुंबई में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में जलावतरित किया गया है। अभी रिसेंटली गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत को मुंबई में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स MDL में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में जलावतरित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5 इम्फाल को। ठीक है, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत इम्फाल को, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में पहले हिंदू मंदिर की नींव रखी गई। द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट हिंदू टेम्पल वाज लेड इन विच सिटी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 आबू धाबी। ठीक है, पहले हिंदू मंदिर की नींव रखी गई है आबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज वॉन द संतोष ट्रॉफी बाय डिफीटिंग पंजाब इन द फाइनल एट लुधियाना। किस टीम ने लुधियाना में हुए फाइनल मैच में पंजाब को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सर्विसेज ने पंजाब को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, लुधियाना में हुआ था, क्लियरली ऑप्शन में ही मेंशन है, पंजाब को हराया है, लुधियाना में हुआ था और सर्विसेज ने जीता है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सऊदी अरब ने भारत के हज कोटा को 1,75,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। सऊदी अरब ने भारत के हज कोटा को 1,75,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है,
अब 2 लाख कर दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 2 लाख रुपये। देश भर के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब तक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 से जुड़ गए हैं? ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 112, किसकी किसकी तर्ज पे, मतलब भारत में भी शुरू किया गया है, अमेरिका की तर्ज पे। अमेरिका में क्या है 911, इंडिया का है 112, ठीक है। अब इस 112 इमरजेंसी नंबर से कितने यूटीज एंड स्टेट्स जुड़ गए हैं? तो वो हैं टोटल 20, ओके 20, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अमरपाल का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? अमरपाल हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द डॉक्टर, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट या फिर सिंगर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 सिंगर। कहाँ से बिलोंग करते थे ये, कहाँ के मतलब ये बंगाली सिंगर थे, ठीक है, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने इलाहाबाद बैंक की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर कितना कर दिया है? हाउ मच हैज द गवर्नमेंट इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल ऑफ इलाहाबाद बैंक? ऑप्शन है 9000 करोड़, 8000 करोड़, 8500 या फिर 5000 करोड़। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2, 8000 करोड़, ठीक है, 8000 करोड़। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए देश के पहले ग्रीन कार लोन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन कार लोन देने की घोषणा की है इलेक्ट्रिक वाहन परचेज करने के लिए? तो वो कौन सी बैंक ने करी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, SBI, ओके SBI। अगला क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च साइबर डिफेंस इंश्योरेंस फॉर बिजनेसेज? ओके ओके, हर बार क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में, ओके किस बीमा कंपनी ने व्यवसायों के लिए साइबर रक्षा बीमा शुरू किया है? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च साइबर डिफेंस इंश्योरेंस फॉर बिजनेसेज? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए आप, ऑप्शन नंबर 3, SBI जनरल, ओके SBI जनरल। अगला क्वेश्चन, हु हैज वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन 23rd एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इन दोहा? दोहा में 23वीं एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर आपका दोनों का महिपाल मिल एंड वीरेश। पहला गोल्ड मेडल जो जीता था 23वीं एशियाई एथलेटिक्स में, वो जीता था गोमती मारी मुथु ने, ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। टोटल 3 गोल्ड मेडल जीते थे, एक जीता था गोमती मारी मुथु ने, एक जीता था पीयू चित्रा ने और एक जीता था तेजिंदर, ठीक है, तेजिंदर यादव शायद नाम था उनका पूरा। तो 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे, ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस दिन को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ये है 22 अप्रैल, ओके 22 अप्रैल। इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, ठीक है, प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। सही है आप सबके आंसर, ओके वीरेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर हैज बीन इंडक्टेड इनटू क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम? क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय अमेरिकी को शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है श्री श्रीनाथ को, ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर होगा, श्री श्रीनाथ को क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी फ्लिपकार्ट हैज सेट अप ए डाटा सेंटर? इन विच सिटी फ्लिपकार्ट हैज सेट अप ए डाटा सेंटर? इसका राइट आंसर है क्या, जल्दी से बताइए, मुंबई, नई दिल्ली, गुरुग्राम या फिर हैदराबाद? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है, हैदराबाद में, फ्लिपकार्ट ने हैदराबाद में एक डाटा सेंटर स्थापित किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय ट्विटर एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इंडिया? ट्विटर ने ट्विटर इंडिया के लिए किसको नियुक्त किया है, ठीक है, MD and CEO? तो ये हैं मनीष महेश्वरी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा, सही है आपका आंसर, मनीष महेश्वरी को ट्विटर इंडिया ने, सॉरी ट्विटर ने ट्विटर इंडिया का
मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है. ओके, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज चूजन कॉमेडियन वोलोडिमिर जेलेंस्की एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट. किस देश ने अगले राष्ट्रपति के रूप में कॉमेडियन वोलोडिमिर जेलेंस्की को चुना है? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यूक्रेन. यूक्रेन में एक कॉमेडियन थे वोलोडिमिर जेलेंस्की, वो वहाँ पे अब प्रेसिडेंट बन गए हैं. यूक्रेन की कैपिटल और करेंसी क्या क्या है? यूक्रेन की जो कैपिटल है वो है कीव, और करेंसी क्या है? हर्विनिया. ठीक है, रिविनिया या फिर हर्विनिया, इस तरह प्रोनाउंस करते हैं इसको. ठीक है, रिविनिया भी बोलते हैं. तो ऑप्शन नंबर 1 यूक्रेन यहाँ पे राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक के साथ एनसीएलटी ने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड विलय को मंजूरी दी है? विद विच बैंक एनसीएलटी हैज अप्रूव्ड भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड मर्जर. इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 इंडसइंड बैंक. ओके, अगला क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है. एस मुथैया पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देख के जाना है. जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो आपके पास वो भी आप देख के जाइए. ठीक है, एस मुथैया जो अभी रिसेंटली देहांत हुआ है जिनका, उनका आपको, उनके बारे में आपको बता के जाना है कमेंट बॉक्स में. ओके, लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आप ने पहली बार ये सेशन देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार.